अल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है और इधर मैं एक स्टूडेंट हूँ। आज हमारा तीसरा महीना ये ख़त्म होने वाला है। तो आज मैं ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में, जो चाइनीज़ में यूज़ होते हैं नॉर्मली, वो मैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है हेड। हेड को चाइनीज में कहते हैं थो। चाइनीज में हेड को थो बोलते हैं, थो। इसके बाद हमारे पास आता है नोज। नोज को बोलते हैं पीज। ये बी जो है ना, ये फे के अल्फाज को यूज करेगा, जैसे पीज पीज। नोज के बाद हमारे पास आते हैं आइज। आइस को बोलते हैं यन छिंग। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ईयर्स। ईयर्स को बोलते हैं अर्थो। ये डी जो है ना, ये टी के मतलब टी का साउंड निकालेगा, अर्थो। इसके बाद हमारे पास आता है स्टमक। स्टमक को बोलते हैं वे 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 स्टमक वे। चिस्ट श्योंग श्योंग फो। स्टमक चेस्ट को श्योंग श्योंग फो श्योंग पो। इसके बाद आता है हैंड। हैंड को बोलते हैं शाओ। हैंड शाओ शाओ। और बोथ हैंड श्वांग श्वांग शाओ। बोथ हैंड श्वांग शाओ। टंग को बोलते हैं टंग। अच्छा, टंग को बोलते हैं श श। ठीक है। इसके बाद हमारे पास लिग्स आ गया। लिग को बोलते हैं थुई थुई। लेग एक मींस एक लेग, थुई। और बोथ लेग्स थुई थुई चियाओ। बोथ लेग्स थुई चियाओ। माउथ को कहते हैं खो खो खो। ठीक है। ब्लड शे ये। ब्लड को एक्स जो है ना, वो एस एच के अल्फाज को निकालेगा, शे ये। इसके बाद मतलब इंसान को एक हर्ट हो गया, हर्ट एच ई हर्ट। हर्ट को बोलते हैं शिन। और इसके बाद मतलब बैक हो गया, बैक। पे पो। ये बी जो है ना, बी ये पी के अल्फाज को निकालेगा, पे पो। चेकअप मतलब जब कोई इंसान अगर डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर को कहते हैं डाइफो। डी थे के अल्फाज को निकालेगा, थाइफो। और अगर कोई इंसान मतलब चेकअप करने जाए, चेकअप को बोलते हैं चियान चियान छा। ठीक है। इसके बाद टीथ को बोलते हैं छोन। टीथ छोन।
अगर हम टूथब्रश को कहेंगे टूथ ब्रश, चौन नहीं, टीथ को चौन नहीं बोलते, ये चौन लिप्स को कहते हैं। लिप्स चौन, चौन, और इसके बाद टीथ, इसको बोलते हैं याचा, टीथ याचा, और टूथब्रश टूथब्रश को कहते हैं या शॉ या शाओ या शाओ। इल, अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है, इल को कहते हैं पिंगल,